मैंगो यानी कि आम जो है मार्केट में आना शुरू हो गया है, तो मैंगो की बहुत सारी रेसिपी हम बनाएंगे इस सीज़न। तो आज मैं आप लोग के लाई हूँ बहुत ही डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम, जो कि बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें ना तो आपको गैस जलाने की ज़रूरत है और ना आपको किसी ऐसी चीज़ की जो आपके पास ना हो, सिंपल चीज़ों से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे लेना है आम, तो पके हुए आम लीजिए। और यहाँ मैंने दो बड़े साइज के आम लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ना कि आपको पल्प वाले आम लेने हैं, रेशे वाले आम ना लीजिए। तो यहाँ पे जितना अच्छा पल्प होगा आम में, उतना ही ज़्यादा अच्छे आपके आइसक्रीम बनेगी। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसके पल्प को निकाल सकते हैं, या तो आप छील के उसके गुद्दे को कट कर लीजिए यानी पल्प को अलग कर लीजिए, या फिर ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में और फिर आप इसके पल्प को इससे अलग कर लीजिए। छिलका आपको ऐसे अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको पहले तो लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेना है, फिर आपको इसे टेढ़े में कट कर लेना है और फिर आप इसके ऐसे पल्प को निकाल लीजिए। दोनों तरीके से जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर पल्प को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैंगो के पल्प को निकाल दिया है। अब आपको लेना है एक बड़े साइज का मिक्सी जार और यहाँ पर ना हम सारे मैंगो को डाल देंगे, यानी आम को आपको डाल देना है। अभी जो ये आम है ना हल्का सा खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। तो यहाँ पे आम के जो टेस्ट है ना यानी मीठापन जो होता है उसके हिसाब से आपको चीनी डालना है। तो ये आम जो है ना हल्का सा खट्टा है, तो मैं यहाँ पे एक कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आपने मीठे वाले आम लिए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कम भी आप डाल सकते हैं। और अब आपको डालना है इसमें मिल्क पाउडर, तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि आइस क्रिस्टल्स इसमें नहीं आएंगे आइसक्रीम में, और जो आइसक्रीम है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरह से ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से पल्प आपको बना लेना है, इसमें बिल्कुल भी मैंगो के चंक्स ना रहें। तो यहाँ पे ये जो काम है इंस्टेंट हो जाता है, इसको अब आप साइड में रख दीजिए। और अब आप एक बोल में ले लीजिए क्रीम, तो मैं यहाँ पे नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। और यहाँ पे ना आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए इसमें, और यहाँ पे ना आपको ध्यान देना है कि चिल्ड होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में आप बना रहे हैं तो आप इस बोल के नीचे ना एक और बोल रखिए जिसमें आइस क्यूब्स रखे हों, तब आप इसे बीट कीजिए। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी इसे बीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो मार्केट में मिलती है ना मलाई फ्रेश क्रीम, वो आप ले सकते हैं, फ्रिज में रख के चिल्ड कर लीजिए और फिर आप इसे अच्छी तरह से ऐसे बीट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो नॉर्मल हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको लो टू हाई स्पीड पे आपको चलाना है। पहले आपको लो स्पीड पे चलाना है बीटर को, फिर आप हाई स्पीड पे जाइए। तो इस जो व्हिपिंग क्रीम है ना इसमें चीनी है, तो मैं यहाँ पे चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से बीट हो गई है, इस पर स्टिफ पिक आ गई है। तो इस स्टेज पर आने तक आपको इसे अच्छे से बीट कर लेना है। अब आपको इसमें मैंगो की प्यूरी को डाल देना है, तो यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे एक और बड़ा ध्यान देखिए, अगर आपने नॉर्मल फ्रेश क्रीम ही ली हुई ना उसमें मिठास नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे चीनी की जो क्वांटिटी है बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आप पहले ही चीनी ज़्यादा डाल के आप उसे अच्छे से मैंगो के साथ ग्राइंड कर लीजिए, या फिर आप पीसी हुई चीनी को ना आप इस स्टेज पर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर मैंने सारे आम को मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फूड कलर डाल रही हूँ येल्लो कलर का, इससे अच्छा कलर आ जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है आपके पास तो बिना कलर के भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारे जो आइसक्रीम का जो बैटर है ना वो बनके रेडी हो गया। देखिए बहुत ज़्यादा ये क्रीमी है। तो यहाँ पे अब आपको किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है जिसमें भी आपको ना आइसक्रीम को सेट करना है यानी कि जमाना है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज के बर्तन में आप इसे रख दीजिए। मैंने यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर लिया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर छोटे छोटे कप्स होते हैं ना डिस्पोजल वाले, उसमें भी आप इसके आइसक्रीम को जमा सकती है। तो यहाँ से अच्छे से सेट कर लीजिए। यहाँ पर हम अच्छे से कवर कर देंगे और इसे आपको रख देना है ओवरनाइट के लिए, या कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कम खर्चे में आप घर पे बहुत ही आसानी से और बिना मेहनत के बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाइए, गेस्ट को खिलाइए, खुद खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सिर्फ 3 चीज़ों से बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी ये आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।